नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शेफ दीपक मिंज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया रेसिपी, जीरा लैम कबाब। चलिए हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसमें है धनिया, लेमन, पुदीना पत्ता, ग्रीन चटनी, नमक, शुद्ध घी, गार्लिक, जिंजर पेस्ट, हल्दी पाउडर, ग्रीन चिल्ली, जीरा पाउडर, मिर्चा पाउडर, ओनियन, क्रश किया हुआ जीरा, धनिया पाउडर, चाट मसाला, लैम और ग्रेट किया हुआ कुकुम्बर और दही। ये रहा इसका इंग्रेडिएंट्स, मैंने सारा दिखा दिया आपको। इसका बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ओनियन चॉप करना है, फाइन ओनियन चॉप कर लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि फाइन ओनियन चॉप हो जाए। फाइन ओनियन चॉप तो हो नहीं है क्योंकि मेरा रोज़मर्रा का काम है। तो चलिए, ये फाइन चॉप हो चुका है एक पीस। अभी दूसरा पीस भी ले लेता हूँ, इसको भी फाइन चॉप कर लेता हूँ। ये भी हो गया। चलिए, ओनियन चॉप मेरा हो गया। अभी मैं रिंग ओनियन के लिए स्लाइस ओनियन काट लेता हूँ। आप देखते जाइए, स्किप मत कीजिए। ये रिंग ओनियन मैं सर्व करने का टाइम में इस्तेमाल करूँगा। अब देखते जाइए, इसको मैं रिंग बना के अभी फ्रिज में डाल दूंगा कुछ देर के लिए, नहीं तो ये नरम हो जाएगा, स्मेल भी आ सकता है। एक घंटे में जब मैंने लैम को तब स्मेल आ सकता है, तो उसके लिए मुझे इसको भी फ्रिज में रखना पड़ेगा कुछ देर के लिए। तो ये मैंने रिंग निकाल लिया। चलिए, एक कटोरे में रख लेते हैं इसको। अभी बारी है ग्रीन चिल्ली चॉप करने के लिए। ग्रीन चिल्ली चॉप करने का टाइम में ध्यान रखिएगा, बीच से फाड़ लीजिएगा ग्रीन चिल्ली को, तब सही से चॉप होगा तो कबाब के लिए अच्छा रहेगा। ग्रीन चिल्ली भी चॉप हो चुका है। चलिए, ये भी हो गया, ग्रीन चिल्ली भी चॉप हो गया। इसको साइड कर लेते हैं। अभी धनिया चॉप करते हैं। धनिया चॉप करने का टाइम में ध्यान दीजिएगा, धार वाला नाइफ होना चाहिए ताकि धनिया को भी दर्द ना हो, नहीं तो धनिया भी दुखी हो जाएगा कि मुझे कटिंग कर रही है, चटनी बना रहे हैं ना। मेरा धनिया भी हो गया चॉपिंग, धनिया भी चॉप हो गया। अभी मैं गार्लिक चॉप कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको प्रेस कर लेता हूँ। चलिए, मुझे लगता है कि एक में देर हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो 3-4 एक ही साथ में कर लेता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। ये हो गया, मैं इसको चॉप कर लेता हूँ। इसको भी फाइन चॉप करना है मुझे, फटाफट से चॉप कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपको भी बोरिंग ना लगे, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आप बोर मत होइए। सबर का फल मीठा होता है। अभी चलिए हम लोग पुदीना चॉप कर लेते हैं। सेम प्रोसेस जैसे मैंने धनिया कटने का टाइम में बताया, इसको अभी धार नाइफ से काटना है। जितना भी पत्ते वाला आइटम होता है उसको धार नाइफ से काटना होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, मेरा पुदीना चॉप हो गया। अभी मैं लैम का जो ऊपर का स्किन जो होता है, ऊपर का जो लेयर होता है, उसको मैं निकाल लेता हूँ ताकि ये मीट को हार्ड कर देता है, तो ये ज़रूरी होता है इसको निकालने के लिए। आप भी निकाल लीजिएगा बनाने का टाइम में, नहीं तो मीट हार्ड हो जाएगा और चॉप करने में प्रॉब्लम आएगा। मेरे पास में मीट ग्राइंडर नहीं है तो मैं चॉपर से काम चलाऊँगा। मैं 20 पीस कर लिया, छोटे छोटे से पीस कर लेता हूँ, इसको टुकड़े में भाग कर लेता हूँ। इसको मैंने 300 ग्राम मीट लिया है, इसमें मुझे 1% बनाना है तो 300 ग्राम ले लिया है मैं। तो इसको चॉप कर लेता हूँ सही से। चलिए, मैं फटाफट से चॉप कर लेता हूँ। बढ़िया से चॉप कर लीजिएगा, नहीं तो कबाब बनाने का टाइम में फिनिशिंग नहीं आएगा, बनाने में प्रॉब्लम आएगा। इसको अच्छा से चॉप करना है। ये मेरा ऑलमोस्ट चॉप हो चुका है, और भी कुछ बाकी है, प्रॉपर हुआ नहीं है अभी भी, तो इसको प्रॉपरली चॉप कर लेता हूँ मैं। चलिए, फटाफट से कर देता हूँ। ये मेरा चॉप हो गया है।
अभी मैं इसको एक कटोरी में रख देता हूँ। अभी मेरा मैरिनेट करने का टाइम आ गया है, तो चलिए देखते हैं कि मैरिनेट में क्या क्या जाएगा। सबसे पहले मैं लेमन काट लेता हूँ। एक गोटा नींबू लिया है मैं, लेकिन मुझे लगता है गोटा नींबू का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जितना चाहिए उतना ले लेता हूँ मैं। ये मैंने नींबू का रस निकल लिया है, काफ़ी रस है, मुझे लगता है एक पीस में हो जाएगा, तो मैं इसमें एक पीस ही डालूँगा और बाकी का जो है इसको साइड में रख देता हूँ। अभी एक एक करके मसाले डालते हैं इसमें। ये रहा क्रश किया हुआ जीरा और ये रहा जीरा पाउडर, ये रहा गार्लिक चॉप, ये रहा धनिया पाउडर। जीरा जो है उसको हल्का भून लीजिएगा, रोस्ट कर लीजिएगा, ताकि उसका फ्लेवर अच्छा आए। जो क्रश किया हुआ जीरा है उसको, उसका बाद में अभी हम लोग डालते हैं इसमें ग्रीन चिल्ली चॉप। ये रहा ग्रीन चिल्ली चॉप, ये रहा मिर्चा पाउडर, दोनों भाई आ गया, हरा वाला, लाल वाला, अभी पीला वाला आ रहा है, ये वाला हल्दी आ गया इसमें। हल्दी भी आ गया। अभी हम लोग इसमें डालेंगे नमक, नमक के बिना सारा अधूरा है। चलिए नमक अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके बाद में इसमें जिंजर पेस्ट डाल देते हैं। ये रहा जिंजर पेस्ट। उसका बाद में अभी डालते हैं इसमें धनिया पत्ता। चलिए धनिया पत्ता थोड़ा सा दे देता हूँ, बढ़िया है। अभी इसको अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में इसको क्लीन रैप मार के 1 घंटे के लिए हम लोग फ्रिज में रख देंगे। चलिए चम्मच को साफ कर लेता हूँ, फिर अच्छा से मिला लेता हूँ इसको। अच्छा से मिला लिया इसको, इसको क्लीन रैप करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देता हूँ। आप कहीं भी मत जाइए, क्योंकि आगे का जो रेसिपी है वो बनाने जा रहे हैं हम लोग। ये रहा दही, इसको हम लोग डीप बनाएंगे। चलिए इसमें क्या क्या डालना है फटाफट से डाल लेते हैं। ये रहा पुदीना पत्ता चॉप, और ये रहा कुकुम्बर ग्रेट किया हुआ। मुझे लगता है इसमें पानी है, तो पानी को मैं साइड कर लेता हूँ, ध्यान में रखिएगा, नहीं तो पतला हो जाएगा ज़्यादा। कुकुम्बर में पानी रहता है, ग्रेट करने के बाद में ज़्यादा पानी निकल जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में मिर्चा पाउडर आएगा, इसमें मिर्चा पाउडर डाल दिया। मिर्चा पाउडर के बाद में अभी इसमें मैं डालूँगा क्रश किया हुआ जीरा, ये क्रश किया हुआ जीरा। उसके बाद में इसमें डालूंगा नमक, ये रहा नमक, सारा कुछ डाल दिया। अभी इसको अच्छा से मिला लेते हैं। इसको अच्छा से मिलाने के बाद में इसको भी फ्रिज में रख देता हूँ कुछ देर के लिए। इसको भी फ्रिज में, ये कंप्लीट हो गया है, इसको भी फ्रिज में रख देता हूँ। अभी 1 घंटा हो चुका है, लैम्प को निकाल लेता हूँ फ्रिज से। ये निकल लिया, अभी ओपन कर लिया, काफ़ी ठंडा है, अभी फ्रिज से निकाला है, ठंडा है, थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ इसको। चलिए मिक्स कर लिया इसको। अभी मैं इसमें ओनियन डालूँगा, चॉप किया हुआ ओनियन। जी हाँ दोस्त,
मैंने पहले ओनियन इसलिए नहीं डाला क्योंकि पहले ओनियन डाल के अगर मैरिनेट करके फ्रिज में रख देता तो पानी छोड़ने का चांसेस होता, तो बनाने में प्रॉब्लम आ जाता मुझे, इसीलिए मैंने पहले नहीं डाला, अभी डाल रहा हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, नहीं तो पहले अगर मिला के हम रख देता तो उसमें पानी छोड़ देता तो कबाब का फिनिशिंग नहीं आता, बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आता मुझे, इसीलिए मैं बाद में डाल रहा हूँ, आप भी बाद में डालिएगा। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, उसे हिसाब से बनाइएगा तो ज़रूर अच्छा होगा। ये अच्छा से मिला लिया। प्याज डालने के बाद में थोड़ा देखिएगा, नमक कम हो सकता है तो नमक ऐड कर लीजिएगा, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको 8 पीस बनाना है मुझे, 8 पीस बना लेता हूँ, लेकिन 8 पीस अगर बनाता हूँ अगर कोई एक पीस टूट टूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं इसको 9 पीस बनाने का कोशिश करता हूँ। जी हाँ, 9 पीस बनाने का कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है 9 पीस हो जाएगा। ले इसमें 8 पीस तो हो चुका है, ये 9 नंबर पीस बढ़िया है, ये बन गया। अभी इसको कबाब का शेप दे देता हूँ। चलिए, हाँ तो मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि इसको मटन का और चिकन का भी बना सकते हैं आप लोग, सेम रेसिपी होगा, सेम प्रोसेस होगा, मटन का और चिकन का भी बना सकते हैं, है ना। और कोई भी नया रेसिपी चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो मैं उसका भी रेसिपी बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, उसका भी रेसिपी बना के आप लोगों को बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हर शेप को जैसे खाना बनाने के लिए अच्छा लगता है, मज़ा आता है, खुशी आता है, वैसे ही हर शेप को एक दूसरे को नॉलेज देने के लिए भी अच्छा लगना चाहिए, आइडिया देने के लिए अच्छा लगना चाहिए। मुझे भी दूसरों को हेल्प करने के लिए अच्छा लगता है। चलिए, मैं आप लोगों से बात करते करते मेरा कबाब भी ख़त्म हो चुका बनाने के लिए, अभी मेरा 1 पीस बचा है, ये मेरा 8वें नंबर पीस है, ये मेरा 9वें नंबर पीस है। चलिए, ये मेरा कबाब भी ख़त्म हो चुका, फिनिशिंग दे दिया, ये रहा पूरा कबाब, 9 पीस, परफेक्ट 9 पीस निकला, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं फ्राई पैन बैठा लिया, नॉन स्टिक में अभी मैं घी डालूंगा। हाँ दोस्त, ये याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब ग्रिल फिश का रेसिपी मैंने दिया था, ग्रिल फिश रेड पेपर सॉस, उसमें मैंने बताया था कि जो खराब वाला नॉन स्टिक होता है उसमें जो भी ग्रिल वाला आइटम होता है उसको ग्रिल मत कीजिएगा, नहीं तो चिपक जाएगा। बाद में आप बोलिएगा कि दीपक से बताया नहीं है, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। अगर चिपक जाएगा तो ख़राब होने का चांसेस रहेगा, आपका दोबारा मेहनत हो सकता है और वेस्टेज भी हो सकता है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, एक एक पीस करके हम लोग डाल देते हैं इसमें, फ्राई पैन में एक एक पीस करके डाल दे रहा हूँ मैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना। सबर का फल मीठा होता है, देखते जाइए, सारा कुछ सीरियली देखेगा तो आपको समझ में आएगा, तो आसानी से बना पाएंगे। जो घर में है मेरा माता बहनों, वो लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा है, एक नया डिश बनाने को मिलेगा। और जो मेरे भाई लोग होटल में हैं, होटल में जॉब करते हैं, वो लोग के लिए तो और भी बढ़िया है, एक नया रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी चलने वाला आइटम है, लोग भी बहुत पसंद करते हैं इसको। ये कबाब बहुत ही शानदार कबाब है, मैंने इसमें ढक्कन ढक दिया था, अभी ढक्कन ओपन कर चुका हूँ, अब एक बार चेक कर लेता हूँ।
इसको पकाने का और एक तरीका है, इसमें जो रो पपाया होता है, रो पपाया का जो ग्रीन हिस्सा होता है उसको पेस्ट करके कम मात्रा में आप इसमें यूज़ कीजिएगा। जैसे एक टीस्पून का आधा से भी आधा, उससे भी थोड़ा कम, एक पोर्शन अगर बना रहे तो उससे भी थोड़ा कम दीजिएगा, नहीं तो कड़वा होने का चांसेस रहेगा, तीता होने का चांसेस रहेगा। तो वैसे करके उसको दे सकते हैं, तो मैरिनेट करने का टाइम में तो जल्दी पकने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और एक बार ढक्कन लगा के फिर मैं ओपन कर दिया, अभी देखता हूँ। चलिए और एक बार ढक्कन लगा देता हूँ इसको, कुछ समय हो गया, मैं ढक्कन ओपन करके देखता हूँ क्या हालत है, चलिए चेक कर लेता हूँ। मोटा मोटी हो गया है और थोड़ा कुछ बचा है पकने के लिए, तो और थोड़ी देर सब्र कर लेते हैं। अभी पक चुका है, मेरा कबाब हो गया है, अभी इसको एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए पक गया है, चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ एक एक करके प्लेट में। चलिए बढ़िया है, एक एक करके मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया, अभी बचा है प्लेटिंग करने के लिए। ये रहा प्लेट, इसमें मैं सॉस बनाया था उसको एक बार गार्निश के लिए डाल देता हूँ। बढ़िया है, जो रिंग ओनियन कट के रखा था मैं उसको अभी इसमें दूंगा। ये रहा रिंग ओनियन, इसको अच्छा सजा देता हूँ। इसमें एक फूल बना के रखा हूँ उसको डाल देता हूँ इसमें। चलिए बढ़िया है, अभी इसमें धनिया पत्ता लगा देता हूँ। बढ़िया, नहीं इस साइड में नहीं, इसको इधर से नहीं इधर लगा देता हूँ, बस बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है। अभी एक एक करके कबाब लगा देता हूँ इसमें। देखिए दोस्त, खाना जो होता है सबसे पहले आँख को लगना चाहिए, आँख जाके दिल को बताएगा, दिल जाके मुँह को बताएगा, जब सब सेटिस्फाई हो जाएगा उसका बाद में तो जो जीभ का जो कंप्लेन होगा वो कोई भी नहीं सुनेगा। चलिए मैं वेजिस लेमन भी लगा दिया, इसमें धनिया लगा देता हूँ। चलिए जीरा लेम कबाब तैयार है, अभी इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए स्टार्टर के तौर पे, जो लंच डिनर का टाइम में भी आप लोग सर्व कर सकते हैं इसको ग्रीन चटनी और डीप का साथ में। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना टाइम मेरा साथ बिताने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे, रेसिपी अच्छा लगे तो भाई को प्यार दीजिएगा, भाई का चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जो कोई अगर नया रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब और आप लोगों का प्यार मुझे नया वीडियो बनाने के लिए, नया रेसिपी बनाने के लिए उत्साह देता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।